हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके नए वीडियो में। और आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले एक नए ओएस का, इसका नाम है डेवफेस्ट ओएस, एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड है। और कुछ नए नए रोम्स आ चुके हैं, तो काफ़ी सारी और भी कमाल वीडियो जल्दी जल्दी आने वाली हैं। और कुछ नए ओएस निकल कर आए हैं जो कि इनका लुक एकदम डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हम आज करने वाले सबसे पहले डेवफेस्ट ओएस का रिव्यू। दोस्तों, होम स्क्रीन से ही आपको दिखा देते हैं इसके जो आइकन्स हैं। इसके अंदर एक आइकॉन पैक हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि आप इसके आइकॉन देख पा रहे होंगे। काफ़ी एकदम चेंज आइकॉन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करें अबाउट फ़ोन से, अबाउट फ़ोन हम चलते हैं अपने अबाउट फ़ोन के अंदर। अबाउट फ़ोन में यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिला, जो कि हमें एंड्रॉइड 11 के ऊपर देखने को मिलता है। हालाँकि ये बिल्कुल लेटेस्ट और बीटा वर्जन जो कि यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है, इसकी डेवफेस्ट वर्जन यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड्रॉइड 11 ऑफिशियल 4.19 बीटा है, और इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। 5 अगस्त का सिक्योरिटी पैच जो कि यार लेटेस्ट है। हालांकि अब दोस्तों 5 सितंबर के भी पैचेस रिलीज होने वाले हैं काफ़ी जल्दी। और तो आज 5 सितंबर है, तो देखते हैं बहुत जल्दी पैचेस रिलीज होने वाले हैं। तो यहाँ पर अब लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे इन सब ओएस की तरफ से। अभी तो हालांकि 5 अगस्त की सिक्योरिटी पैच में देखने को मिल रही है। हम तो बात कर रहे हैं इसके सिस्टम की, सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। सिस्टम के अंदर कुछ ऑप्शन हालांकि देखने को मिल रहे हैं, वो डेवलपर ऑप्शन, डेवफेस्ट अपडेटर का ऑप्शन भी इसके अंदर देखने को हालांकि मिल रहा है, जो कि काफ़ी कमाल है। दोस्तों, हम ना अगर इसके अंदर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में हालांकि यार फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप लॉकर, हिडन ऐप और काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके फिंगरप्रिंट दोस्तों काफ़ी कमाल दोस्तों काम करता है। और जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको मैं अगर टच करके दिखाऊँ इस तरीके से, तो फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट दोस्तों पर काम करता है। इसके अंदर हमें हिडन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और प्लस ऐप लॉकर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐप लॉकर का ऑप्शन हमें सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हिडन ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर हम बात करेंगे इसके साउंड की टेस्टिंग की, तो साउंड को टेस्टिंग के लिए आपको मैं कुछ सैंपल वगैरह भी मैं आपको सुना सकता हूँ किस तरीके से हमें साउंड के सैंपल देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा साउंड है, लाउड है, तेज है, और साउंड से रिकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपकी फ़ोन का ही साउंड यार ख़राब है, तो उसमें कोई यार कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आपको साउंड ही एकदम चेंज करवाना पड़ेगा आपके फ़ोन का। तो चलो सुनाते हैं आपको सैंपल। तो दोस्तों, यहाँ पर साउंड में तो मुझे यार कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, साउंड तो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग प्लस वीडियो कॉलिंग दोनों की अगर बात करें दोस्तों साथ में, तो यहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी के अंदर भी कुछ और भी मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे वीडियो कॉलिंग और कॉल रिकॉर्डिंग की। दोस्तों, यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो हमें कहीं भी यार देखने को नहीं मिल रहा, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप इसको मॉड्यूल के द्वारा भी इनेबल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग यहाँ पर, वाईफाई कॉलिंग दोनों यहाँ पर सपोर्टेड है, तो यहाँ पर वीडियो कॉलिंग वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें गीकबेंच स्कोर की, तो गीकबेंच स्कोर यहाँ पर हमें निकल कर आता है कुछ। सिंगल कोर में आपको 261 देखने को मिलेगा, और मल्टी कोर में यहाँ पर 1149, जो कि यार काफ़ी अच्छा है यार, एकदम मैचिंग है एंड्रॉइड 12 की। जैसे एक दोस्तों रोम आई थी एंड्रॉइड 12 की, उसमें दोस्तों हमने टेस्टिंग करी थी कि दोस्तों इसका भी सेम टू सेम यहाँ पर वही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे सिक्योरिटी की कुछ और सेफ्टी नेट की, दोस्तों सेफ्टी नेट यहाँ पर पास देखने को मिल जाएगा विथाउट मैजिस्क। मैजिस्क का भी इंस्टॉल नहीं है, मैजिस्क से भी आप कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर सेफ्टी नेट की भी कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग ऐप्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे बैंकिंग ऐप्स वर्किंग होंगे यहाँ पर, तो सेफ्टी नेट दोस्तों पास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मेन सेगमेंट आता है कॉल यहाँ पर कस्टमाइजेशन का, जो कि यहाँ पर काफ़ी एकदम सेगमेंट है। जैसे कि ना चलें डेवफेस्ट के अंदर, डेवफेस्ट में यहाँ पर बात करें कुछ कस्टमाइजेशन की, तो दोस्तों कस्टमाइजेशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पावर बटन है, पावर बटन में यहाँ पर एडवांस रजिस्टर वगैरह के ऑप्शन है। नेविगेशन के अंदर कुछ नेविगेशन की और सेटिंग्स हैं। रजिस्टर के अंदर चलें तो दोस्तों रजिस्टर की काफ़ी सारे सेटिंग देखने को मिल जाती है। स्विच स्क्रीन ऑफ, स्विच टू स्क्रीन शॉट, ये दोस्तों ऑप्शन जो कि टॉर्च वगैरह के ऑप्शन जो देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम रॉकर्स का ऑप्शन है,
साइड में दोस्तों यहाँ पर स्लाइड करें तो यहाँ पर क्विक सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, क्विक सेटिंग में यहाँ पर टाइल्स के ऑप्शन, क्विक पुल डाउन के ऑप्शन और भी कुछ दोस्तों और फालतू की चीज़ें, और थीमर का ऑप्शन है दोस्तों। थीमर में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर थीम में जाएँ तो थीम में कुछ यार वही यार ये वैसे भी हम कर सकते हैं, क्लॉक वगैरह के ऑप्शन है तो यहाँ पर थीमर का ऑप्शन दोस्तों ना रख के कुछ और ऑप्शन रख दिया होता डिस्प्ले के अंदर तो ठीक रहता है, क्योंकि यार थीमर में हम यार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर थीम होगी हम बस उसको अप्लाई कर देंगे, तो ये दोस्तों ये हमारा जो खुद का वो रहता है एक्सपेक्टेशन। तो इस तरीके से क्लॉक सेटिंग है, क्लॉक में काफ़ी सारे दोस्तों वाली क्लॉक्स देखने को मिल जाती हैं। स्विच टाइल है, स्विच टाइल में दोस्तों ये जो ऑन ऑफ की जो लेआउट है वो कैसा रहेगा वो उस तरीके से आप रख सकते हैं, और सेटिंग डैशबोर्ड आइकॉन जो होम सेटिंग्स है उसका बैकग्राउंड किस तरीके से देखेगा, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और प्लान फायरग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और प्लान टेक्स्ट तरीके से, एक्सेंट कलर भी हैं जी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर iOS ब्लू काफ़ी सारे ऑप्शन हैं देखने को हालांकि मिल रहे हैं, ये कस्टमाइजेशन में ये बड़ा एक सेगमेंट है दोस्तों। एक वाईफाई कोई भी आइकॉन हमें देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर ZigZag यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सारे ये जो आइकॉन है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा आजकल की जो लेटेस्ट रोम जो आ रहे हैं उन सभी में ये ऑप्शन जरूरी होने चाहिए, और सिग्नल का भी आइकॉन है यहाँ पर ZigZag वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आइकॉन नंबर एकदम चेंज देखने को मिल रहा है, और फॉन्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैक चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर हेड्सअप में दोस्तों और भी कुछ हेड्सअप की सेटिंग, नोटिफिकेशन आर इनेबल्ड और पल्स की भी सेटिंग देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी सारी हैं। बैटरी ऑप्शन है दोस्तों, बैटरी सर्कल, बैटरी परसेंटेज, बैटरी बैटरी वार भी हमें देखने को मिला है जो कि मैंने यहाँ पर बैटरी वार को इनेबल किया हुआ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टेटस बार, आइटम्स, 4G आइकॉन, सिस्टम आइकॉन, लोगो, नोटिफिकेशन, काउंट, टिकर, स्टेटस बार आइकॉन, नेटवर्क इंडिकेटर है जो कि हमें काफ़ी सारी सेटिंग देखने को मिल रही हैं। बीदर की सेटिंग्स हैं, बीदर भी आप लॉक स्क्रीन में सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल ऑप्शंस के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस, लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार की सेटिंग देखने को मिल रही है, और दोस्तों ये है दोस्तों लास्ट सेगमेंट इसकी कस्टमाइजेशन का, और ये है तो गेमिंग मोड है, और गेमिंग मोड भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, गेमिंग मोड मैंने ऑफ़ किया हुआ, जनरल नोटिफिकेशन है, मिसलेनियस का ऑप्शन है जिसमें यहाँ पर USB वगैरह कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं। तो ये है पूरी डेयर फोर्स की कस्टमाइजेशन, यहाँ पर कुछ चेंजेस देख सकते हैं हो चुके हैं, और ये दोस्तों इसका पूरा एकदम कस्टमाइजेशन जो कि हमें देखने को मिल जाता है। ये है इसका स्टेटस बार जो कि USB के जैसे ही, लेकिन हमें कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करिए अगर बैटरी की, तो बैटरी दोस्तों बैटरी बैकअप यार एकदम एवरेज देखने को मिलता है, मतलब अगर हम बात करते हैं कुछ और जैसे कि हम यहाँ पर इसके स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं, तो स्टैटिक्स तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हमें दिखा रहा है, 5 दिन का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 दिन का, उसके बाद 8 घंटे का, उसके बाद दोस्तों कुछ और चार्ज हुआ, उसके बाद फिर डिस्चार्ज, मतलब अभी तक दोस्तों इसका जो 18 मिनट्स यूज़ किए हैं तो NCR ने यहाँ पर 3% डिस हुआ जो काफ़ी अच्छा एकदम रेगुलर यूज़ होता है NCR का, अब सबको भी मालूम है। Geekbench 5 का हमने यूज़ किया है तो 2%, फाइल्स का भी यूज़ किया 8 मिनट तक तो 1%, फोटोज़ का 6 मिनट यूज़ किया तो 1%, मतलब कि एवरेज बैटरी बैकअप देखने को अभी तो मिल रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये है बैटरी की भी कहानी, और दोस्तों यार स्टैटिक्स अभी नहीं दिखा सकता सॉरी यार, मतलब एक ऐप हुआ था उसको मैं इंस्टॉल करना भूल गया था। दोस्तों कुछ डिस्प्ले वगैरह की और सेटिंग्स को देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ हमें देखने को मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन, एडेप्टिव ब्राइटनेस, लाइव स्टाइल एंड वॉलपेपर, डबल टेप टू बैक, फॉन्ट पैक और स्मॉल बिट्स वगैरह, DPI वगैरह चेंज कर सकते हैं आप आसानी से। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ज़ेन पार्ट्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़ेन पार्ट्स का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ज़ेन पार्ट्स में हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन और ज़ेन मोशंस के ऑप्शन हैं, बस ये और भी ऑप्शन रहते हैं लेकिन इसके अंदर हमें इतने ही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये है पूरी कहानी इसकी OS की, और कुछ ये है इसके आइकॉन जो कि हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है, ये आइकॉन देखने को मिल रहा है एकदम इसके अंदर प्री इंस्टॉल में, अगर इसके सेटिंग्स पर क्लिक करूँ, लेकिन इसके अंदर दोस्तों बग्स भी हैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला। आइकॉन्स में क्लिक करूँ और यहाँ पर आइकॉन पैक पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखते हैं सिम्स आइकॉन पैक दोस्तों देखने को मिलता है, इसको आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको दोस्तों कुछ यहाँ पर ये दोस्तों बग है। सेटिंग्स पर जाएं और आप 2-3 बार यहाँ पर इन ऑप्शंस को ओपन क्लोज करें तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सेटिंग क्लोज हो जाता है। तो ये दोस्तों बग है यार, मतलब
इस तरीके से देखने को मिले। लेकिन इसका जो कस्टमाइजेशन है, जिसके जो आइकॉन फॉन्ट है, ये दोस्तों काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी डेर्बीफेस्ट ओएस की, और भी दोस्तों नए नए ओएस आने वाले हैं, काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। और दोस्तों लॉक स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो लॉक स्क्रीन ये कुछ एकदम कलरफुल सा स्क्रीन लॉक स्क्रीन देखने को मिल रहा है। तो बस यही पूरी कहानी ओएस के, होप कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।